तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग एक्सप्रेस। तो लास्ट वीडियो में मैंने नेटवर्क एनालिसिस के दो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, क्योंकि अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और बेसिक्स का डिस्कशन पूरा हो चुका है, और लास्ट के वीडियो में दो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन या फिफ्थ जो भी पॉसिबल हो सकेगा वो करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन दी वैल्यू ऑफ Vx इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। ठीक है, इस सर्किट में Vx क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने एग्जाम में होता तो मैं क्या हिट करता, मेरे दिमाग में क्या हिट होता और हम इसे कैसे अप्रोच करते। ठीक है, इसे हम कैसे अप्रोच करते, तो हमें दिख क्या रहा है यहाँ पे कि जो Vx है ये तीन जगह पे दिख रहा है मुझे। एक तो खुद Vx दिया हुआ है, सेकेंड मुझे इस Vx को यूज करके डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बना लिया और एक डिपेंडेंट करंट सोर्स बना लिया है। ठीक है, तो अब दिमाग में क्या आना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में क्या आना चाहिए, अगर ये Vx हमें तीन जगह दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए इस जगह मुझे Vx एक करंट की तरह दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे मुझे Vx नाम का एक करंट दिख रहा है, तो और यहाँ से 5 एम्पियर अंदर जाता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है, कमी कहाँ बचती है कि इस ब्रांच का हम करंट कैसे फाइंड करें। भाई इस ब्रांच का करंट इजिली फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इसमें लिखें तो ये हो जाएगा 5 - 0.5 Vx, ये इस ब्रांच का करंट हो जाएगा। अगर ये इस ब्रांच का करंट होगा तो इस ब्रांच का करंट क्या होगा, इस ब्रांच का वोल्टेज दिया हुआ है Vx और 20 ओम दिया हुआ है क्या रेजिस्टेंस, तो इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का जो करंट है इसे हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे, इस ब्रांच का करंट होगा Vx बाई 20 होगा। तो अगर इस ब्रांच का भी करंट है और इस ब्रांच का भी करंट है तो इस ब्रांच का करंट फाइंड कर लो। तो इस ब्रांच का करंट फाइंड करने के लिए अगर मैं इसे फाइंड करता हूँ I10 लिख के, I10 इसलिए लिखता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, 10 ओम जो सोर्स है ना, सॉरी 10 ओम जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस करंट लिखने के लिए अगर मैं लिख दिया इसे, तो ये क्या होगा, ये होगा 5 - Vx बाई 2, जो 0.5 Vx मैंने Vx बाई 2 लिख दिया, तो ये होगा 5 - Vx बाई 2 - ऑफ Vx बाई 20। तो ये करंट एग्जैक्टली हो गया इस I10 यानी 10 वाले रेजिस्टेंस की ब्रांच में हो गया, तो ये यहां से आ गया 5 - 11 बाई 20 Vx, 5 - 11 बाई 20 Vx, ये करंट 10 पे आ गया। अब देखो इसमें एक करंट ऑलरेडी आ रहा है, ये जिसे हम Vx बाई 2 बोल रहे हैं, और दूसरा करंट ये I10 नाम से एंटर कर रहा है। ठीक, तो अब प्रॉब्लम क्या है, इस ब्रांच में एक करंट जा रहा होगा और एक करंट इस ब्रांच में जा रहा होगा, तो इस ब्रांच का करंट तो हमें पता है, तो I8 जो है ना, I8 ये तो हमें पता है, I8 कैसे पता है हमें, I8 हमें ऐसे पता है कि इस 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0.25 Vx नाम का एक वोल्टेज है, तो इसे हम लिख सकते हैं Vx बाई 4 वोल्ट का एक सोर्स है, और ये 8 क्या बोलते हैं ओम के अक्रॉस अप्लाइड है, तो 8 ओम के, तो 8 ओम वाली ब्रांच में कितना करंट होगा, ये होगा वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो ये हो गया Vx बाई 32। अब देखो I8 हो गया Vx बाई 32, I8 हो गया Vx बाई 32, ये हो गया Vx बाई 2, और ये हो गया 5 - 11 बाई 20 Vx बाई 2, तो इस ब्रांच का भी करंट मिल जाएगा, हालांकि नीड नहीं है, फिर भी अगर हम इस ब्रांच का करंट लिखें तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा I10, ये आ जाएगा I10 प्लस Vx बाई 2, ये जो एंटर कर रहे हैं इनसाइड उन्हें एडिटिव, और जो बाहर जा रहा है वो -I8। तो ये कलेक्शन ऑफ करंट है, ये आ गया आपका इस Vx बाई 4 वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस। अब हमें निकालना क्या है, हमें एक्चुअल में Vx ही कैलकुलेट करना है, तो हम क्यों ना एक KVL लगा दें, क्यों ना हम एक KVL लगा दें, और वो KVL कहाँ से कहाँ लगाएंगे, हम सिंपली उस KVL को यहाँ यूज कर लेते हैं, सिंपली हम उस KVL को यहाँ यूज कर लेते हैं इसके बीच में। ओके, अगर हम इसके बीच में इस KVL को यूज कर रहे हैं, अगर हम इसके बीच में इस KVL को यूज कर रहे हैं, तो ये हो जा रहा है आपका
वी एक्स वाई फोर, मैं मतलब वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, वी एक्स वाई फोर, और क्योंकि आई टेन हमारी साइड मूव कर रहा है तो इसका मैं थोड़ा एरो चेंज कर देता हूँ। अगर मैं इसका एरो चेंज कर देता हूँ तो ये ऐसा होगा, इसे मैं ऐसे लगा रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होने देना है। आप फिगर में सही से देखते रहिए मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, ओके मैं ऐसा मूव कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं वी एक्स वाई फोर से स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ा, और मुझे पहली बार 10 ओम रेजिस्टेंस आया, और 10 ओम में जो करंट है वो आई 10 हमारी साइड आ रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस आई 10 टाइम्स ऑफ 10 ओम एंड माइनस वी एक्स इक्वल टू जीरो। सिंपल ये केवीएल लगेगा, ये वी एक्स याद ना, यहां चले ना, ये स्टार्ट हुए, मेरा पॉइंटर देखना, पॉइंटर ये है कि हम 0.525 Vx से स्टार्ट हुए, आगे बढ़े लेफ्ट में जा रहे हैं। पहली बार हमें 10 ओम वोल्ट क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस मिला, उसमें जो आई 10 करंट था वो हमारी साइड आ रहा है, तो उसे प्लस आई 10 नाम से लिखे, और 0.10 लिखने का मतलब मल्टीप्लाई किया हम 10 ओम से, और आगे बढ़े, इस नोड को क्रॉस किया, माइनस Vx आया, इस तरह से ये सर्कल पूरा किया, ठीक है, ये सर्कल पूरा किया, जो हमारा ये नोड घूम, तो मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, इस तरह से हमने सर्कल पूरा किया। ठीक, तो यहाँ से सिंपल अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ रहा है थ्री क्या बोलते हैं ये आ गया वन बाई फोर, थ्री वी आई फोर, थ्री वी एक्स बाई फोर। अगर मैं वी एक्स बाई फोर और ये वी एक्स को राइट में ले गया, दिया थ्री वी एक्स बाई फोर इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ आई 10, ओके 10 टाइम्स ऑफ आई 10, और i10 already vx के टर्म्स में ही है, i10 already vx के टर्म्स में ही है। i10 की वैल्यू क्या है ये वाली, इस i10 की वैल्यू अगर मैं पुट करें तो 3 vx by 4, आपको बहुत लेंदी लग सकता है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसा एक्सप्लेन करूँ भाई मेरे दिमाग में फर्स्ट टाइम जो हिट किया था vx की वजह से मैंने हर ब्रांच में करंट स्प्लिट किया, तो ये i10 की वैल्यू में लिखा माइनस 11/20 vx माइनस 11/20 Vx। तो इससे अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर 10 को अंदर ले जा रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 Vx by 4 इक्वल टू ये हो गया 50 माइनस 11/2 Vx। अगर अब मैं इस Vx को 11/2 Vx को लेफ्ट में लेके आता हूं तो ये 3 Vx by 4 हो जाएगा प्लस प्लस ये हो जाएगा 11/2 Vx इक्वल टू 50। तो यहां से जो निकल के आएगा वो 25 Vx by 4 इक्वल टू 50। तो 25 to 50 टू टाइम्स, तो Vx यहां से जो कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा 8 वोल्ट, ओके Vx यहां से जो कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा 8 वोल्ट, Vx इक्वल टू 8 वोल्ट, ठीक है। तो ये आंसर हुआ Vx का 8 वोल्ट। तो यहाँ भी वही अप्रोच जो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने सेकंड मेथड देखा था कि हर ब्रांच में करंट स्प्लिट करना है, करंट स्प्लिट करने के बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां से एग्जैक्टली हम Vx को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये करंट को स्प्लिट करने वाला एक बेस्ट मेथड है। इसके अलावा यहाँ नोडल एनालिसिस भी कर सकते थे, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में मुझे दो ही नोड दिख रहे हैं, इस पूरे क्वेश्चन में दो ही नोड दिख रहे हैं, तो इस नोडल एनालिसिस वाले को मैं ब्लैक से डिनोट कर रहा हूं। एक नोड ये फर्स्ट नोड एंड सेकंड नोड ये, ठीक। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का रिडंडेंट डेटा न ध्यान देके केवल इन ब्लैक नोड्स पे ध्यान देता हूं और इनको मैं V1 एंड V2 वोल्टेज बोलता, और इसके बाद अगर नोडल एनालिसिस करते हैं, सेकंड मेथड जो है हमारा नोडल एनालिसिस, इस मेथड से हम देखते नोडल एनालिसिस, ठीक है। तो इस मेथड से भी हमारा Vx इजीली कैलकुलेट हो जाता, क्योंकि V1 भी आपका Vx के टर्म्स में ही आएगा, इनफैक्ट V1 तो Vx ही है और V2 भी Vx के टर्म में आ जाएगा। तो एक बार जब नोडल एनालिसिस कंप्लीट होगा तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हम Vx कैलकुलेट करेंगे वो 8 वोल्ट आ जाएगा। तो मेन जो मेन पर्पज है हमारा, सबसे पहले फर्स्ट टाइम हिट कौन सा मेथड करना है,
क्या मैं करंट को हर ब्रांच में स्प्लिट करके दिखाना है या फिर हमें नोडल एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस में, जहां पे किसी ब्रांच का करंट फाइंड करना हो, किसी ब्रांच में वोल्टेज फाइंड करना हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए वो या तो करंट को स्प्लिट कर लो, और पॉसिबली अगर नोडल एनालिसिस आपको दिख जाए तो उसे कर लो। यही दो मेथड्स बेसिकली यूज होंगे यहाँ पे। जबरदस्ती का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को लेके परेशान नहीं होना है, अगर कहीं बाय द वे हो जाए यूज तो कर लेना है, नहीं तो हमें इसमें ये टू मेथड्स अच्छे से हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस पे कि तुरंत देखो और एकदम हर ब्रांच का करंट आपको अगर देखना संभव है, अगर ये पॉसिबल है कि हर ब्रांच का करंट, भाई इस क्वेश्चन में ये पॉसिबल था क्योंकि देखो यहाँ 20 ओम के अक्रॉस मुझे Vx नाम का वोल्टेज दिया हुआ था, इसका मतलब इसका करंट मुझे पता था, और इधर कॉर्नर पे 5 वोल्ट का इंडिपेंडेंट सॉरी 5 एम्पीयर का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स दिया हुआ था, और ऊपर 0.5 Vx नाम का डिपेंडेंट करंट सोर्स दिया हुआ था। तो जहां में 3 करंट पता है तो बस 2-3 तो ब्रांच रहेगी, उनको फाइंड करना बहुत इजी था मेरे लिए केसीएल को यूज करके। तो यहाँ फंडामेंटल केसीएल यूज हुआ और कल केवीएल यूज हुआ और करंट डिवीजन क्या बोलते हैं उसे नोडल एनालिसिस, और पॉसिबली हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच में करंट का स्प्लिट करना, ओम्स लॉ का यूज हुआ, ठीक है। तो ये बेसिक मेथड्स यूज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है, द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर, ठीक है। ये आई एम दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन में मेरे हिटिंग देखना, दिमाग की जो हिटिंग है वो कहाँ होने वाली, सबसे पहले कहाँ हिट करने वाला, दिमाग सबसे पहले कहाँ हिट करने वाला। अब मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे इस करंट को कैलकुलेट करवाना है, दिस करंट वी हैव टू कैलकुलेट। इसका मतलब ये आई करंट ही है जो इधर फ्लो कर रहा है, ये इसका मतलब कैपिटल आई ही है जो इधर फ्लो कर रहा है और इधर एंटर कर रहा है इसमें 1 एम्पियर। इसका मतलब मैं तुरंत करंट को स्प्रेड मारूंगा। तो ये जो एरो के साइड में कितना दिखेगा भाई, वन में से अगर आई चला गया तो 1 माइनस आई ऐसा करंट है जो मुझे 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के अंदर जाता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम एक आउटर केवीएल यूज कर रहे हैं, If we use the outer KVL, अगर हम यहाँ पर एक आउटर केवीएल, आउटर केवीएल हमेशा मैं वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट करूंगा, ये आपको बता चुका हूँ केवीएल के टाइम में, और उसी जगह पे एंड करूंगा आके, ठीक है। तो क्योंकि ये 5 वोल्ट से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो 5 से स्टार्ट करूँ तो 5 प्लस, क्योंकि अब देखो ये जो 5 ओम है जो करंट है, हमें 5 वोल्ट से स्टार्ट किया और मूव करना स्टार्ट किया, तो जो 5 ओम जो रेजिस्टेंस आ रहा है, इसमें सोर्स रेजिस्टेंस भी बोल सकता हूँ, सोर्स रेजिस्टेंस की पोजीशन पे जो रखा हुआ है उसकी उसमें जो करंट है 1 माइनस आई वो एंटर कर रहा है इनसाइड, तो सिर्फ पॉजिटिव साइंस में, अगर बाहर जा रहा होता तो नेगेटिव बताते हैं, क्या पोटेंशियल ड्रॉप बताते हैं, या पोटेंशियल ड्रॉप ना होगा पोटेंशियल गेन हो रहा है। तो 5 वोल्ट से कितना पोटेंशियल गेन हुआ, हुआ 1 I into R, तो 1 माइनस आई टाइम्स ऑफ 5 वोल्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट में जो आई एम्पियर करंट है वो 5 से ड्रॉप हो रहा है, तो 5 से जा रहा है तो इसका मतलब अवे फ्रॉम सोर्स जा रहा है, तो इसे कर दूंगा -5 I, और 10 ओम में भी अवे फ्रॉम सोर्स दिख रहा है तो ये हो जाएगा -10 I = 0। सॉल्व दिस लाइन, तो ये हो जाएगा 5 + 5 - 5 I, इस ब्रैकेट को ओपन किया, -5 I - 10 I = 0। तो यहां से दिख रहा है 10 = 20 I, तो I = 1/2 means 0.5 एम्पियर, I = 0.5 एम्पियर। ये तो एक मेथड हो गया। सेकेंड मेथड, ये जो मेथड है, ये मेथड है केवीएल का मेथड, और केवीएल के मेथड के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, हर ब्रांच का करंट होना। क्योंकि अभी तक मैंने बोला ना हर ब्रांच का करंट पता होना चाहिए, हर ब्रांच का करंट पता होने का मतलब करंट ऑफ ईच ब्रांच इज नोन, इट मींस ऑफ केवीएल यूज कर रहे हैं, तो फॉर केवीएल ईच ब्रांच
का करंट, ये बहुत जरूरी है। ईच ब्रांच का करंट, अगर ईच ब्रांच का करंट है तो हमें सीधे सीधे केवीएल ही यूज करना है, ठीक है। अब सेकंड मेथड जो रहता है हमारा नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस में हमें करंट हर ब्रांच का पता हो ये कोई जरूरी नहीं है, सिंपली हमें एक नोड जो हो उसका कॉमन हमें पोटेंशियल ले लेना है। तो नोडल एनालिसिस अगर हम करें, अगर यहाँ से थोड़ा स्पेस क्रिएट करके नोडल एनालिसिस करते हैं, तो नोडल एनालिसिस के केस में नोडल एनालिसिस फॉर नोडल एनालिसिस अगर हम नोडल एनालिसिस करते हैं तो इस नोड का वोल्टेज अगर हम बी मान लें, क्योंकि हमें इस नोड का वोल्टेज बी है, हम मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पे जो करंट है ये 1 एम्पियर करंट है, ये इनसाइड जा रहा है, 1 एम्पियर करंट इनसाइड जा रहा है, और इस पर्टिकुलर ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है 5 ओम है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है ये 5 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ तो मैं जीरो ले रहा हूँ, यहाँ जीरो है, और यहाँ जो 5 और 10 मैं एक बार ऐड करके इकट्ठा मैं इसे 0 वोल्ट बोल दे रहा हूँ, और ये 5 और 10 के भी सीरीज में, 5 और 10 के भी सीरीज में अकेला करंट I ही फ्लो कर रहा है, तो इसमें 15 बोल देता हूँ, ठीक है, इसे 15 बोल देता हूँ, क्योंकि इसमें करंट जो I है वो सिमिलर था। अब जो मैंने जो V वोल्ट माना है वो यहाँ माना है, ठीक है, V वोल्ट इस नोड पे माना है। तो यहाँ से अगर हम K क्या बोलते हैं, हाँ KVL अगर यूज करें, सॉरी नोडल एनालिसिस यूज करेंगे, इसे KCL बोलते हैं। अगर हम यहाँ से KCL यूज करते हैं, अगर यहाँ से हम KCL यूज करते हैं तो आएगा 5, सॉरी V माइनस 5 डिवाइड बाई 5 प्लस V माइनस 0, नॉट V माइनस 0, हाँ सॉरी V माइनस 0 डिवाइड बाई 15। ये तो हो गया इस ब्रांच का आउटसाइड, ये हो गया इस ब्रांच का आउटसाइड, इस ब्रांच का आउटसाइड है माइनस 1 एम्पियर, क्योंकि 1 एम्पियर इनसाइड है, तो ये हो गया माइनस 1 एम्पियर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे 3V/15, या मैं लिख रहा हूँ सिंपली 3/5 माइनस 1 प्लस V/15 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आया आंसर जो आया यहाँ से वो आएगा V/5 एंड V/15 को लिख सकते हैं 4V/15 इक्वल टू 2। तो V कितना हो गया यहाँ से, V हो गया यहाँ से 15/2 मीन्स 7.5 वोल्ट। V 7.5 वोल्ट, अगर V हमारा 7.5 वोल्ट है तो I कैलकुलेट करने के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग I इक्वल टू V/15, एंड V अगर हमारा 7.5 है डिवाइड बाई 15, V हो गया 1/2 विच इज अगेन इक्वल टू 0.5 एम्पियर, और लास्ट मेथड से भी 0.5 एम्पियर ही आंसर। फ्रॉम लास्ट मेथड ऑल्सो ये देखो, फ्रॉम लास्ट मेथड ऑल्सो इट वॉज 0.5, लास्ट मेथड से भी 0.5 एम्पियर था और इस मेथड से भी 0.5 एम्पियर है। तो दोनों मेथड्स को मैंने सही से एक्सप्लेन किया है, आप अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से पॉज करके बैक करके देख सकते हैं, यू कैन वॉच वीडियो अगेन। तो आई थिंक मैंने दोनों ही मेथड्स को बेसिक, देखो हर क्वेश्चन में जो बेसिक मेथड्स लग रहे हैं आई या वी फाइंड करने के, उनमें नोडल एनालिसिस एंड केवीएल लग रहा है, जिसे मैश एनालिसिस बोल सकते हैं। तो KVL लगाने के लिए हर ब्रांच का करंट पता होना चाहिए, एंड KCL के लिए हर नोड का वोल्टेज पता होना चाहिए, फॉर KCL नोड हर नोड का वोल्टेज पता होना चाहिए, यहां मैं लिख देता हूं, ओके। सो फॉर KVL हमारे पास हर ब्रांच के करंट की नॉलेज होनी चाहिए, करंट ऑफ ईच ब्रांच, current of each branch should be known, ठीक है। एंड सेकेंड फॉर KCL फॉर नोडल एनालिसिस
for KCL or nodal analysis, voltage of each node should be known. Voltage of each node should be known. Should be known. अब नोन का केस समझने का मतलब क्या है यहाँ पे जो हम डिफरेंट नोड पे हम जो वेरिएबल्स मानते हैं वोल्टेज नाम से जो वेरिएबल्स मानते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करने का हमें टारगेट करना है। तो हम कह रहे थे इस नोड की वैल्यू वी वन वोल्टेज और इस नोड की वोल्टेज वैल्यू वी वन वी टू वी थ्री है। इस तरह से जो हम वोल्टेज जो मानते हैं अलग अलग नोड ना, अगर किसी क्वेश्चन में तीन चार नोड हैं किसी तरह से पॉसिबली तीन चार नोड्स हैं, एक ये नोड सपोज, एक ये नोड और इस तरह से ये तीसरा नोड, तो इन जो नोड्स की अगर हमें नीड हो रही है ना, तो इन नोड्स की हम जो वैल्यूज मान रहे हैं V1, V2 एंड V3, तो हमें टारगेट करना होता है इन तीनों नोड्स के वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि हम KCL या नोडल एनालिसिस यूज कर रहे हैं। वंस वी विल एबल टू फाइंड द वोल्टेज वैल्यूज ऑफ दीज ऑल नोड्स, उसका मतलब उसके बाद करंट फाइंड कर सकते हैं हर ब्रांच का। और KVL के केस में पहले हमें हर ब्रांच का करंट फाइंड करना है, और करंट फाइंड करने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर ब्रांच में कितना करंट है, उसके लिए पहले हमें KCL यूज करना है। तो हर ब्रांच का करंट एक बार निकल आएगा, चाहे वो वेरिएबल की फॉर्म में हो, यहाँ करंट वेरिएबल की फॉर्म में हो सकता है, यहाँ करंट I1, I2, I3, अगर जो ऐसे कुछ ब्रांचेस हैं करंट आए, तो इन करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम KVL लगाते हैं, और इन वोल्टेजेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम KCL लगाते हैं, इसे नोडल एनालिसिस बोलते हैं। मैंने ट्राई किया कि इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को बेसिकली दो तरह के अप्रोच के साथ कैलकुलेट करेंगे, नोडल एनालिसिस एंड KVL, ठीक है। तो इन कमिंग वीडियो विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड बच्चे को क्वेश्चन जो भी है अच्छे क्वेश्चन बेसिकली उसे डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। आप हर डाउट क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। सो आई विल से थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड जो भी डाउट हो आप टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में अगर आप अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं अगर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डाल देंगे तो मैं आपको खुद कॉन्टेक्ट कर लूँगा, जो भी आपकी डाउट होगी विद योर कॉन्टेक्ट नंबर मैं कॉन्टेक्ट कर लूँगा। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स।